नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा, आनंदपुर साहब, पंजाब से। आज हम फिर से बात करेंगे अनाहत चक्कर, हृदय चक्कर। इसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे जागृत किया जाए, और जागृत और एक्टिवेट करने में क्या अंतर है, इस पे कितना ध्यान किया जाए कि कोई समस्या ना आए, और किस प्रकार से ध्यान किया जाए कि यह हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, कभी हृदय की समस्या हमें ना आए, सभी स्वस्थ रहें, हमेशा निरोगी रह सकें, पूर्ण जीवन आनंदित और निरोगी रह सकें, अपनी आत्मा की और परमात्मा की ओर हम बढ़ सकें, उसके लिए निरोगी रहना, शक्तिशाली रहना शरीर का बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। इसको जानना बहुत ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरह से ध्यान साधना, रेकी, भजन कीर्तन या आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग भी भीतर जुड़ते हैं वो जाने अनजाने कभी ना कभी इस चक्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे जैसे कुंडलिनी की ऊर्जा यहाँ पर आके पहुँचती है तो क्या क्या अनुभव होते हैं, उनमें वो भी आपको और बताऊँगा, और इस चक्र को कैसे हील किया जा सकता है, बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है, निरोगता पाई जा सकती है, हृदय की कैसी भी बीमारियाँ हों वो सब कैसे दूर हो सकती हैं बहुत आराम से, आसानी से। तो कैसे कैसे हील कर सकते हैं वो सब आज बात करते हैं। देखिए, ये अध्यात्म में असल में जब हमारी कुंडलनी नीचे से ऊपर की ओर बहती है या कोई ध्यान भजन कीर्तन करता है तो अध्यात्म का ये एक तरह का पहला केंद्र कहा जा सकता है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए ऊपर के चार चक्र हैं जो डिवाइननेस से, परमात्मा से हमें जोड़ते हैं। नीचे के जो मणिपुर से लेके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, तीन चक्र हैं, ये संसार दुनिया से हमें जोड़ते हैं, ये शरीर से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं और संसार से जुड़े हुए हैं। ऊपर के चक्कर के भी अपने अपने फंक्शन हैं, शरीर मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नीचे के ही हैं। ऊपर के जो हैं ये सिर्फ परमात्मा से इनका अधिक संबंध रहता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं, इन पहले इसमें फ़र्क समझ लें कि एक चक्र को एक्टिवेट करना और एक चक्र को जागृत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप इस चक्र को पूरी तरह जागृत कर लें, क्योंकि बिना किसी गुरु के, बिना किसी खास पात्रता के, अगर आप, एक तो होता है आदमी हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, आप कोई नहा धो के पीछे पड़ जाए कि मुझे तो ये जगाना है, मुझे ये सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं, तो वो गड़बड़ हो सकती है, हो जाती है आमतौर पे। जब तक बेहद एक व्यक्ति के भीतर एक चेंज ना आया हो, उसको ऐसा महसूस ना हो कि मेरे भीतर कुछ बदल गया है, मैं शांत हो चुका हूँ, मैं आनंदित हो चुका हूँ, मेरी सोच समझ की पावर पहले से डेवलप हो चुकी है, तब तक इस चक्कर के पीछे बहुत बुरी तरह से नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग इस तरह से हो जाते हैं कि मुझे ध्यान हृदय चक्कर पर करना है तो पूरा जीवन इसी के ऊपर लगा देना है, जबकि भीतर में वही गुस्सा, वही क्रोध अगर भरा रहता हो तो बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर नहीं करना चाहिए ध्यान। जैसे 6 महीने, साल या कंटिन्यूस दिन में 6-6 घंटे इसी चक्कर पर लगाए रहें तो वो ठीक नहीं, लेकिन इतना ध्यान जरूरी है जिससे ये हील हो जाए, जिससे ये स्वस्थ हो जाए, जिसके इसकी सारी पंखुड़ियाँ खुल जाएँ, जिससे हम आनंद से, शांति से, प्रेम से भर जाएँ, हम भीतर से खिल जाएँ, इतने बहुत ज़रूरी है इसका थोड़ा एक्टिवेट होना। एक्टिवेट होने का अर्थ ये है कि चक्कर रुके ना, चक्कर कंटिन्यूस घूमता रहे। चक्कर हमेशा नॉर्मली क्लॉकवाइज आगे की तरफ घूमते हैं। गाड़ी का पहिया आपने देखा, आगे की तरफ क्लॉक की सुई आगे की तरफ चलती है, तो ये एक्टिवेट हो है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। अगर ये चक्कर कहीं ब्लॉकेज आए, नेगेटिविटी आ जाए, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो पिछली वीडियोज़ में बताई हुई हैं, वो कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर वो आ जाए और चक्कर रुक जाए, इसमें ब्लॉकेज आ जाए, तो हृदय से संबंधित बीमारियां होने लग जाती हैं, जिनको होती हैं वो इसी कारण होती हैं। तो उससे कैसे मुक्ति पाई जाए और निरोगी रह सकें, इसके पहली बात ये समझ लें कि इसमें डरने घबराने की, अगर हम नॉर्मल कोई 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा भी ध्यान इसके ऊपर करता है तो ऐसा नहीं होगा कि ये चक्कर जागृत हो जाएगा पूरी तरह से और आपसे संभलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मल जो इंसान की पोजीशन है वो काफ़ी गड़बड़ है। आज जितनी हम आधुनिकता में फंस गए हैं उतना ही हमारा मन विचलित रहता है, अशांत रहता है, तो जल्दी जल्दी तो ध्यान टिकता नहीं, 1 घंटा तक नॉर्मल ध्यान होता है। अब होता क्या है, जब ये चक्र पूरी तरह जागृत हो जाता है तो इसमें 108 प्रकार की ध्वनियाँ बजती हैं, इसे अनाहत चक्र इसीलिए कहते हैं। अनाहत का अर्थ पहिया भी होता है,
संस्कृत में इसका अर्थ पहिया होता है, और अनाहत का अर्थ बिना आहत किए कोई आवाज निकलनी। मैंने ताली बजाई, ये आहत, इधर से इधर टकराया आहत, कोई आवाज हुई तो ये पैदा हुई। जिस चक्र के ऊपर अनाहत बिना कोई बजाए सुर बजते रहें, बिना कोई बजाए ध्वनि निकलती रहे, कुछ ना कुछ चलता रहता है जिस चक्र पर, वो चक्र कहा जाता है अनाहत। अब इससे जैसे पिछली वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखी होगी तो, जिसका यह चक्र ब्लॉक हो जाता है उसको हृदय से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती हैं, और मानसिक तनाव, मानसिक गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, भावनाओं पर कंट्रोल ना रहना, मन विक्षिप्त रहना इत्यादि, यह समस्याएं तो होती ही हैं। बाकी विस्तृत पिछली वीडियो में बताया था। अब आपको क्या क्या करना होता है इसके लिए, जो मोटी मोटी बातें, कि एक तो जितना आप हो सकें प्रकृति के अगर नज़दीक रहें, कहीं हरियाली है आपके चारों तरफ, हरियाली है वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाएं, महसूस करें कि जो भी आपके चारों तरफ खेत खलिहान पेड़ पौधे हैं, वहाँ से हरे रंग की ऊर्जा निकल के आ रही है, लगातार हरे रंग की ऊर्जा आ रही है, और आपके हृदय चक्कर के अंदर, आपके हृदय में भरती जा रही है। आंखें बंद रखेंगे 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके। एक अगर आपके पास बहुत हरियाली नहीं है, एक पेड़ भी है, तब भी वहाँ पे अगर भीड़ भाड़ हो तब खुली आंखों से भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को। आप बस आंखें बंद रखें या खुली रखें, अगर मजबूरी हो तो आंखें खुलें, नहीं तो इसमें नॉर्मली आंखें बंद रखनी चाहिए। तो महसूस करना है, चाहे एक पेड़ हो या अनेक हो, कि वहां से हरियाली लगातार कंटिन्यूज, वहां से हरे रंग की हीलिंग निकल के आ रही है, हीलिंग पावर आ रही है जो आके मेरे हृदय में समाती जा रही है। हृदय में एक मन में भाव करें कि यहाँ पे एक नकारात्मक ऊर्जा का काला गुच्छा था, एक यहाँ था, जैसे जैसे हरा रंग आ रहा है वो काली एनर्जी सिकुड़ती जा रही है, और एकदम से जैसे जैसे हरियाली भीतर आ रही है वो निकल के बाहर चली गई धरती में शुद्ध होने के लिए। ये भी भाव रखना है कि वो तुरंत जैसे ही यहाँ से निकल के धरती में गई, एकदम शुद्ध होने के लिए धरती के भीतर चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से एनर्जी निकली और आप देखें कि धरती के ऊपर गिर गई, उसे छोड़ देना है। साथ में ये भावना रखनी है कि वो निकल के जैसे ही गिरी धरती ने उसे सोख लिया, जैसे कोई रेगिस्तान हो वहाँ पे पानी का तुबका गिरे एकदम से सोख लेता हो, ऊपर पानी नहीं बचता, तो इसी तरह धरती उसे खींच रही है शुद्ध करने के लिए, उस ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए। कंटिन्यूज चारों तरफ से आती हुई ऊर्जा को महसूस करें, हृदय चक्कर आपका भरता जा रहा है, लगातार लगातार भरता जा रहा है, और हृदय रंग पूरी छाती में फैलता जा रहा है। आप 5 मिनट में भी अपने आप में बहुत शांति, रिलीफ, आनंद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ में हीलिंग भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है। यह चक्र जो है यह हरे रंग का चक्र होता है, हरे रंग का चक्र होता है, इसलिए आप हरे रंग का जो जो कुछ यूज़ कर सकते हैं, जिनको हृदय की कोई समस्या हो या हृदय की हीलिंग चाहिए हो, तो हरे रंग की बनियान, हरे रंग की कमीज, टी शर्ट, जो भी आप धारण कर सकें वो भी काम करेगी। हरे रंग की आपकी घर की दीवार है तो आप उसके ऊपर 5 मिनट 10 मिनट कंटिन्यूस देखेंगे, वो भी कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी। आप हरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं, ज्वेलरी पहन लेंगे, हरे रंग की कोई चीज़ पहन लेंगे, वो भी कुछ ना कुछ हीलिंग जरूर देगी। अर्थात हरा रंग आपसे जहाँ भी होगा वहाँ से थोड़ी हीलिंग आपको जरूर मिलेगी, और प्रकृति से जुड़ जाएंगे, पेड़ पौधे खलिहान पहाड़, तो उससे और भी अधिक तीव्र और परम शुद्ध ऊर्जा बहुत पवित्रता के साथ भरती है। दूसरा, इसके लिए क्योंकि यह हृदय हमारा फेफड़ों का स्थान भी है, इसी से जुड़े हुए हैं फेफड़े, इसके लिए जितना हो सके आप प्राणायाम कर लें। छाती में अगर प्राणायाम कर सके वो ठीक है, बहुत अच्छा है, सबसे उत्तम, लेकिन उसकी विधि आपको सही सही पता होनी चाहिए, तभी करना चाहिए, अनाड़ीपन में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, जितना आप श्वास का उपयोग कर सकें, जितना शुद्ध वायु भीतर भरेंगे, जितनी शुद्ध वायु भरेंगे, वो हरे रंग के पत्तों से आ रही है और वो आपके भीतर जा रही है, वो आपकी इस चक्र को लगातार हील करती जाएगी, आपके चक्र को शुद्ध करती जाएगी। अब अगर कोई इसके पीछे बहुत बुरी तरह पड़ जाए, इसके चक्र के भीतर लगातार कंटिन्यू चलता रहे, तो वैसे तो नॉर्मली तो ये हो जो हो सकता है कि वो बहुत शांत, बहुत आनंद, बहुत उत्तमता के साथ, अपने दिव्य रस के साथ भर जाएगा। उसके भीतर शांति ऐसे लहरें लेंगी जैसे समुद्र की लहरें भरती हैं। बाहर से चाहे वो किसी को क्रोध से भी बोल सकता है, क्योंकि दुनिया में करने के लिए कोई जैसे सामने वाला करे जरूरत के हिसाब से हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर कंटिन्यूज वो गहरी शांति चलती रहेगी, उसके भीतर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मन से वो बोलने से, अपने वचन से,
क्रोध भी कर सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, कुछ भी, लेकिन भीतर की शांति कभी इफेक्ट नहीं होती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस चक्र के ऊपर लगातार साधना करेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा साधना करने लग जाए, तब यहाँ पे 108 तरह की अलग अलग ध्वनियाँ बजती हैं। तो वो जो ध्वनियाँ हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे धूप है, गूगल है, इसमें अलग अलग तरह की जो है प्रकृति की सुगंधे भरी हुई हैं, और वो अलग अलग पॉजिटिव एनर्जी को, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे कंटिन्यूस ध्यान करने लग जाता है, यहाँ पे अलग अलग ध्वनियाँ बजती हैं, अगर उन ध्वनियों को सुनने लग जाता है, जैसे कहीं बंसुरी बज रही है, कभी कभी शंख बज रहा है, कभी नगाड़ा बज रहा है, मीठी मीठी ध्वनियाँ बजेंगी, अगर वो कंटिन्यूस कोई इसको सुनने लग जाता है, तो जैसी ध्वनि होगी वैसा ही उससे संबंधित कोई ना कोई पवित्र ऊर्जा होती है, पवित्र लाइट होती है, जिसको हम देवी देवता कहते हैं, वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कोई हमें बुला रहा है। वो तो आते हैं कृपा करने के लिए, लेकिन उनके रूप स्वरूप कुछ इस तरह का होता है कि व्यक्ति देख के डर जाता है, क्योंकि हमने संसार में इस तरह के मनुष्य देखे हुए हैं जैसे कि हम हैं, लेकिन उनका रूप स्वरूप अलग होता है। कोई इन ध्वनियों को सुनना शुरू कर देता है तो ऐसी आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी साधना तभी करनी चाहिए अगर कोई पूरा गुरु साथ में हो, तभी करें, अन्यथा इसके ऊपर लगातार आप आधा घंटा घंटा भी रोज मेडिटेशन कर सकते हैं कि यह चक्र फैल रहा है लगातार और हील हो रहा है। मन में यह भावना रखें, हील का मतलब कि जो भी हमारे इसके लिए, हृदय चक्र के लिए अच्छे से अच्छा है, जो हो सकता है इसके लिए कल्याणकारी, वो अपने आप हो जाए। हील का इतना ही अर्थ हम करते हैं, जो इसका अर्थ है। हो सकता है कोई प्रोफेसर इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दे, जब हम हीलिंग करते हैं तो इसका हम इतना ही अर्थ लेते हैं कि जो अच्छे से अच्छा हो मेरे लिए हो वो हो जाए, जो मेरे हृदय के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए वो हो रहा है। इस तरह की भावना करते हुए हृदय चक्र पर ध्यान किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं हृदय चक्र पर ध्यान करने के लिए। वैसे इसके ऊपर वीडियो और लंबी चौड़ी बहुत हो जाएगी, नहीं तो आप इतना भी कर लें, बाकी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके और खास जो है तरीके वो समझा दूंगा। बाकी इसके जो बिगड़ने से क्या क्या समस्याएं होती हैं वो यही है कि व्यक्ति की भावनाएं गड़बड़ी होने लग जाती हैं, गुस्सा, क्रोध, ये चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। ये चीज़ें सब ध्यान करते करते बैलेंस होने लग जाएंगी, आपके भीतर एक गहरी शांति और आनंद भरने लग जाता है। परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। नमस्कार।